तो स्वागत है मेरे और एक वीडियो में। मैं शिवम आप लोग का स्वागत करता हूं दोस्तों। ये हमारे साथ मेरे दोस्त ड्राइवर सुनील भाई हैं। तो दोस्तों आज एक बहुत बड़ी जानकारी आप लोग को दूंगा कि जो गियर है इसमें वोल्वो में, वो गियर के जो गियर हम लोग लगाते हैं यहाँ से जो गियर सामने है, तो उसमें कितना गियर होता है और कैसे गियर लगाते हैं और मोड कितने होते हैं उसके बारे में सुनील भाई आप लोग को बताएंगे। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को चलिए शुरू करते हैं। गियर के बारे में सारी जानकारी आपको मिलेगी। फ्रेंड जैसे कि आज हम शिवम भाई के साथ हैं, आज वेल्वो टिपर हम चलाते हैं 500 के केबिन में अभी बैठे हैं। चलिए इस वीडियो में बने रहें, आज आप लोग को वेल्वो 500 टिपर का कितना मूड होता है और कितना गियर होता है इसके बारे आज आप लोग को जानकारी देने जा रहा है फ्रेंड। तो देखिए दोस्त, ये है गियर बॉक्स का लीवर और यहाँ देखिए अभी मेरा गाड़ी पार्किंग में जैसे कि खड़ा है। सुनील भाई, ये जो फोसिस्टी का जो लीवर था उससे ये जो 500 का लीवर है ये बहुत अलग है ना, थोड़ा फैंसी टाइप का दिया गया है ना। पूरा अलग है और सिस्टम भी पूरा शिवम भाई इसमें चेंज किया गया है। अच्छा, इसमें पूरा सिस्टम भी चेंज है। जैसे कि उस समय रहता था 3 मोड, इसमें 4 मोड है। कौन कौन सा मोड है सुनील भाई? 4 मोड आपको बता रहे हैं। पहला मोड, अभी तो हमारा गाड़ी पार्किंग में खड़ा है, मैं फिलहाल अभी न्यूट्रल करके गाड़ी खड़ा रखे है। देखिए दोस्त, यहाँ हरा सिग्नल जल भी रहा और मीटर में भी लिखा है न्यूट्रल। और इधर देखिए इकोनॉमी मोड, खाली गाड़ी जो है दोस्त इकोनॉमी मोड में चलाया जाता है। जैसा कि दोस्तों इस गाड़ी में वोल्वो 500 में 4 मोड होता है। देखिए ये जो मोड का बटन देख पा रहे हैं यहाँ से, यहाँ पर इसको दबाएंगे, एक बार दबाएंगे तो इकोनॉमी, अभी इकोनॉमी मोड में था, अगर अभी चेंज किए हम लोग तो ये आ गया स्टैंडर्ड मोड में, ठीक है दोस्त। फिर इसको एक बार दबाएंगे तो फिर आ जाएगा आपका परफॉर्मेंस मोड में, और एक बार दबाएंगे दोस्तों तो ऑफ रोड मोड में आ जाएगा। इसका 4 मोड है, फिर दबाएंगे दोस्तों तो फिर इकोनॉमी में आपका जो मोड है दोस्तों, ये आपको सुन भाई दिखाइएगा वहाँ पर डिस्प्ले में कहाँ पर दिखाता है। चलिए तो आपको मोड बता दिया और मोड का काम भी समझा देते हैं दोस्त। जैसे कि अभी इकोनॉमी में मेरा गाड़ी खड़ा है, इकोनॉमी खाली ओनली फॉर एम्प्टी गाड़ी चलाना है, खाली गाड़ी दोस्त। इकोनॉमी मोड में खाली जब भी मोड यहाँ से चेंज करेंगे बटन से ना सुनील भाई, और वहाँ डिस्प्ले में आपको दिख जाता है, कहाँ पर दिखता है बताइएगा। यहाँ पर दिखेगा किनारे, देखिए अभी दबाइए तो उसको 4 बार दबाइए। देखिए अभी इकोनॉमी में है, इकोनॉमी के दबा दिए हैं, अभी देखिए दबाएं स्टैंडर्ड मोड। ये मोड को बोलता है स्टैंडर्ड मोड। इसका काम क्या है दोस्त, जैसे आपका गाड़ी लोड हो गया मशीन से तो ऑटोमेटिक स्टैंडर्ड मोड पकड़ लेगा, स्टैंडर्ड मोड पकड़ लेगा ऑटोमेटिक। उसके बाद आप लगाइए मैनुअल में 1 नंबर गियर दीजिए और धीरे से मशीन से निकलिए दोस्त, रवाना होइए, फिर आगे बढ़ते जाइए 2-3-4। अब स्टैंडर्ड मोड का मतलब आप समझ गए होंगे फ्रेंड, अब आपको समझाते हैं। देखिए मेरा हाथ, और एक बार बूस्ट करते हैं दोस्त इसको, और एक बार बूस्ट किए, देखिए आ गया परफॉर्मेंस मोड। यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा दोस्त आपको, चढ़ान चढ़ान टाइप का बना हुआ है। हाँ, इसको बोलते हैं परफॉर्मेंस मोड। इसका काम क्या है फ्रेंड, जैसे कि आप बड़ा रैम में चढ़ रहे हैं, आपको पावर का जरूरत है, गाड़ी को ताकत का जरूरत है, उस टाइम कहीं इसको दबाने का जरूरत है आपको परफॉर्मेंस मोड। तो चलती गाड़ी में सुनील भाई की मोड चेंज कर सकते हैं आराम से, आप चलती गाड़ी के लिए चीज दिया गया है, जब भी आपको जरूरत है ताकत का तो आप इसको दबा दीजिए, एक बार बूस्ट कीजिए, सीधा आ जाएगा परफॉर्मेंस मोड। उसके बाद आप आराम से निकल जाइए जहाँ आपको मतलब रैम चढ़ रहा है तो रैम को पूरा चढ़ के कंप्लीट कीजिए, फिर और एक बार दबा दीजिए दोस्त, स्टैंडर्ड मोड में आ जाएगा जिसमें आपको लोड गाड़ी चलाना है। ये तीसरा मोड था, अभी चौथा मोड जो है दोस्तों ऑफ रोड मोड आता है। सुन इसको एक बार प्रेस करिएगा, देखिए और एक बार मैं बूस्ट कर रहा दोस्त, मेरा हाथ को देखिए, और एक बार बूस्ट किए, ये आ गया ऑफ रोड मोड। ऑफ रोड मोड का काम क्या है फ्रेंड, जैसे कि रास्ता खराब है कि ऑफ रोड मोड का जो सिग्नल है दोस्तों ये किस टाइप का आता है, ये देखिए गड्ढा ऊंचा नीचा आ रहा है, ठीक है, मतलब ये ऑफ रोड मोड हो गया, ठीक है। ये चौथा मोड है गाड़ी में दोस्तों, चौथा मोड में मैं आपको बताता हूँ कि चौथा मोड आपका, अगर आप कहीं कीचड़ से निकल रहे हैं, रास्ता बहुत ऊंचा नीचा है, एकदम गाड़ी बहुत कसमकस करके निकल रही है, तो आप वहां पर ऑफ रोड मोड लगाएं, गाड़ी एकदम फुल ताकत कर दा चिरले फाड़ दे उस जगह को निकाल देगी। ये 4 मोड आपको बता दिए दोस्तों, ये मोड आपका चलती गाड़ी में, कभी भी आप स्टैंडर्ड मान के चले एमटी में चल रहे हैं उसमें भी अगर स्टैंडर्ड लगाना चाहते हैं तो स्टैंडर्ड लगा सकते हैं, स्टैंडर्ड से फिर अगर आप इकोनॉमी चलना चाहते हैं तो फिर दबा इकोनॉमी जा सकते हैं, फिर अगर आप अगर चढ़ान में चढ़ना है तो फिर वहां पर आपको परफॉर्मेंस मोड लगा सकते हैं, और फिर अगर चौथा मोड में ऑफ रोड लगाना है तो आप वहां से बटन दबा के कंटिन्यू आप मोड चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और ऑफ रोड मोड का और एक खूबी है दोस्त, जैसे आप ऑफ रोड मोड लगा दिए कीचड़ हो स्लाइड करने नहीं देगा, गाड़ी को स्किड होने नहीं देगा, इसका काम यह भी है कि वो सीधा ले जाएगा गाड़ी को दोस्त, इसलिए जहां पर रास्ता खराब होगा
वहाँ पे ऑफ रोड मोड लगा के आप आराम से गाड़ी निकाल सकते हैं फ्रेंड। सुनील भाई मोड तो चारों बता दिए, ये चार को आर एन और ए और एम लिखा हुआ है, ये बताइए मेरे को क्या लिखा हुआ है इसमें। देखिए एन का मतलब न्यूट्रल है, ए का मतलब ऑटोमेटिक है, एम का मतलब मैनुअल है दोस्त, और आर का मतलब रिवर्स है। आर का मतलब रिवर्स है। सुनील भाई तो इसमें गियर शिफ्टिंग हम लोग कैसे करते हैं थोड़ा बताइए। गियर शिफ्टिंग देखिए मेरा हाथ देखिए फ्रेंड, ये हाथ को मैं इधर नीचे लाए, नीचे बूस्ट करने का एक बटन है फ्रेंड, उसको मैं इस तरह बूस्ट करेंगे और बूस्ट करने के बाद इधर ऊपर करेंगे, देखिए ऑटोमेटिक आ गया फ्रेंड, अभी वहाँ भी ऑटोमेटिक लग गया, यहाँ भी ऑटोमेटिक आ गया। इस चीज को देखना है, वहाँ आपका लिखेगा यहाँ पे ऑटोमेटिक फोर नंबर गियर, गियर पकड़ लिया, ये जो ऑटोमेटिक है फ्रेंड इसको इंजन कंट्रोल बोलता है, इसको मैं ऑटोमेटिक लगा के हमेशा चलाते हैं गाड़ी को। उसका बाद अभी मैनुअल समझाते हैं फ्रेंड, इधर देखिए मैनुअल, अब और एक बार इसको नीचे वाला बटन को बूस्ट करके मैनुअल खींचे, और एक बार अपना तरफ खींचेंगे पीछे तो मैनुअल हो गया। मैनुअल में होता क्या ना दोस्त, इसमें मैनुअल में होता यही है, ये जा रहे साइड में देखा है शिवम जी, ये माइनस प्लस का जो बटन है ना सारा खेल इसका होता है फ्रेंड। देखिए अभी मैं प्लस करेंगे तो वहाँ 5 गियर आया मैनुअल में, प्लस किया और एक बार प्लस कीजिए सुनील भाई, और एक बार प्लस किया देखिए 6 हुआ, 6 नंबर गियर, 6 नंबर तक ही अभी खड़ा है मेरा गाड़ी, 6 नंबर तक लेगा। जब रनिंग होगा फ्रेंड तो इसमें 12 नंबर तक गियर आता है फ्रेंड में, ऑटो में भी 12 आता है, मैनुअल में 12 आता है। ऑटो में जो है ऑटो में आपको गियर यहाँ पर बटन दबाने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक गियर शिफ्टिंग हो जाता है, और मैनुअल में क्या है जो आपको बटन दबा के आपको शिफ्टिंग करना पड़ता है। बस ये माइनस प्लस का खेल है फ्रेंड, माइनस कीजिएगा तो गियर घटेगा। आइए शिवम जी घटा के भी दिखाते हैं, अभी जैसे 6 नंबर गियर है देखो फ्रेंड, मेरा हाथ अभी माइनस में जा रहा है, माइनस कर रहा है, देखिए इस तरह बूस्ट कर रहा है, वहाँ गियर घट रहा है फ्रेंड, मीटर में गियर घट रहा है, मैं माइनस को बूस्ट कर रहा है, गियर घट रहा है, अब 1 नंबर में आ गया दोस्त। तो बस यही है, मैनुअल में भी माइनस प्लस काम करता और ऑटोमेटिक में भी माइनस प्लस काम करता और न्यूट्रल में भी माइनस प्लस काम करता। और रिवर्स में कितना गियर होता सुनील भाई? और रिवर्स में भी न्यूट्रल में माइनस प्लस काम करता, इसका बारे में आपको समझा रहे हैं फ्रेंड। देखिए अभी न्यूट्रल में है, न्यूट्रल 1, यहाँ दिखाइए शिवम जी, न्यूट्रल 1, न्यूट्रल, और एक बार में प्लस करते हैं, देखिए ऊपर वहाँ क्या लिखा, न्यूट्रल 2, ये गाड़ी का न्यूट्रल डबल है, डबल न्यूट्रल गाड़ी है, इसका गियर आता है दोस्त 6 गियर तक, लो गियर है और फॉरवर्ड गियर जो है और 6 का ऊपर फॉरवर्ड गियर हो गया पूरा, N2 में आता है वो। दोस्तों 1 से लेकर 6 तक है, N1 में आता है न्यूट्रल 1 में, और 7 से लेकर 12 तक आता है न्यूट्रल 2 में। जैसे कि आप लोग देखे होंगे हवा वगैरह में डबल न्यूट्रल वाला गाड़ी होता है, इसमें भी डबल न्यूट्रल है दोस्तों, लेकिन इसका जो गियर सिस्टम है ये थोड़ा ऑटोमेटिक टाइप का है, समझे दोस्तों। जैसे कि अभी ऑफ रोड मोड में लगा हुआ है, तो अभी हमको गाड़ी एमटी मेरा गाड़ी है, तो इसको मोड चेंज कर दे, इसको हम इकोनॉमी मोड में कर दे, तो वहाँ ई लिखा हुआ आ गया, हम मोड अपना गाड़ी का चेंज कर चुके हैं, ठीक है। अभी आपको रिवर्स में भी 4 गियर सुनील भाई, रिवर्स में 4 गियर है सुनील भाई, 4 गियर है, चारों गियर का खूबी भी बताते हैं, 4 गियर है दोस्त रिवर्स में। अभी जैसे रिवर्स गियर देखिए लगा दिए शिवम जी, वहाँ पे लिखा मीटर में 1 नंबर, दिखाइए फ्रेंड को, दिखाइए 1 नंबर लग गया, और देखिए इसमें गाड़ी में लुकिंग रिवर्स कैमरा लगा है फ्रेंड, देखिए पीछे मेरा क्लियर दिख रहा है, एकदम क्लीन दिख रहा, और देखिए अभी मैं गियर चेंज कर रहा, जब रास्ता खराब है उसी जगह 1 नंबर में आपको रिवर्स करना है, अगर रास्ता बढ़िया है तो हमेशा आप 2 नंबर में इस गाड़ी वेल्वो को रिवर्स कीजिए दोस्त। देखिए मैं प्लस को एक बार पुश किया, यहाँ पे 2 नंबर आ गया, 2 नंबर आ गया, हाँ रिवर्स 2 नंबर, 2 नंबर आप तब तक उस जगह में यूज कीजिए जहाँ पे मतलब शॉर्टेज जगह है, कम एडजस्टिंग जगह है, वहाँ पे 2 नंबर में यूज कीजिए। अगर पूरा पीछे खुला जगह है और एम्प्टी गाड़ी है तो आप 3 नंबर लगाइए, गाड़ी पीछे 14 के स्पीड में जाएगा दोस्त। मतलब अगर आपको 3 नंबर लगाना सुनील भाई, तो आप चलती गाड़ी में 3 नंबर नहीं लगा सकते, नहीं उसके लिए आपको खड़ा करके बिल्कुल ही लगाना, डायरेक्ट 3 नंबर लगाना पड़ेगा, हाँ डायरेक्ट 3 नंबर, 3 बार बूस्ट कीजिए और लग जाएगा 3 नंबर। अगर 4 नंबर भी लगाना है तो उसको रुक के ही 4 नंबर लगाना है, और 4 नंबर लगाने के बाद फ्रेंड आपको पूरा स्ट्रांग रहना पड़ेगा, ताकि पीछे भी वेल्वो जितना सामने जाता हो उतना ही सेम स्पीड में पीछे भी जाएगा वेल्वो। चलिए तो ठीक है सुनील भाई, गियर का जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, फिर से हम लोग मुलाकात करेंगे दूसरा चीज में जरूर, और आप लोग को वेल्वो के बारे जो भी सूचना लेना होगा दोस्त तो मैं जरूर कमेंट में लिखिए, आप लोग के लिए हम और शिवम भाई हाजिर रहेंगे फ्रेंड।